मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नियोजन नीति के मुद्दे पर आज विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने नियोजन नीति को रद्द करवाने में अहम भूमिका निभाई। मंत्री ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि झारखंड के युवाओं को उनका हक मिले। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने समरी लाल पर कहा कि उन्होंने सदन में रिम्स अस्पताल की तारीफ की थी और आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। ठाकुर जी, एक तरफ समरी लाल लेटे हुए हैं विधानसभा के परिसर पर और कह रहे हैं कि रिम्स की व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, दूसरे तरफ आपके साथी विधायक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, नियोजन नीति पे और सीएम के प्रेस सलाहकार के। देखिए, समरी लाल जी बहुत पुराने हमारे जानने वाले हैं, हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, हमारे साथ थे। थोड़ा बीमार रहते हैं ये और उसके बहुत सारे कारण हैं बीमार रहने के इनके। और बाकी दूसरी बात कि जहाँ पर इन्हें जाना चाहिए रिम्स में निरंतर ये रहते हैं और रिम्स की तारीफ इन्होंने, रिम्स की व्यवस्था। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। था कि तारीफ इन्होंने सदन में की है कि इतने सीमित साधन संसाधनों के बावजूद पूरे राज्य का बोझ ढो रहा है ये रिम्स, और ये इनका जो दोहरा चाल चरित्र है वो दिखता है कि सदन के अंदर इन्होंने भूरी भूरी तारीफ की थी रिम्स की, और आज यहाँ इन्हें रिम्स जाना चाहिए, वहाँ इलाज कराना चाहिए, इन्हें इलाज की जरूरत भी है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है कि विपक्ष के लोग जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, ये तो जनता देख रही है कि इनकी साजिश को जब जनता समझेगी तो इन्हें खदेड़ने का काम करेगी। ये मैं कहता हूँ, आज छात्रों को भी बहलाकर बहकाकर, लेकिन छात्र जब इनकी जो साजिश थी उसको अगर छात्र जानेंगे तो फिर इनके क्षेत्रों में इन्हें दौड़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये कहा है नियोजन नीति के मामले पर कि जो छात्र चाहेंगे सरकार वही फैसला करेगी। ये सरकार, हमारी सरकार झारखंडी जन सरोकार की सरकार है, झारखंडियों के हित में ही ये सरकार काम करती है, और जो भी नियोजन नीति बनी थी झारखंडियों के हित को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो हमारे मूलवासी हैं, आदिवासी जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, उनके हित को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनी थी। लेकिन भाजपा के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इस नीति को न्यायालय में खारिज करवा दिया। इनके ही वरिष्ठ नेता न्यायालय में मुख्य अपीलकर्ता बने थे और उनके साथ जितने लोग थे वो सारे लोग यूपी बिहार के थे। तो ये इनके मंशा दिखलाती है और ये अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। अब निश्चित रूप से झारखंड के मूलवासी और यहाँ के आदिवासियों को ही उनका नौकरियों में उनका हक अधिकार मिलेगा। मिथिलेश ठाकुर साफ कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय टोपोर अपने सहयोगी आशीष तिवारी के साथ, मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।